वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभिनायका पे पिंक फ्राइडे सेल आई थी और मैंने बहुत सारा शॉप किया था, क्योंकि ऑब्वियसली मैं काम ऐसा करती हूँ तो मुझे प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती रहती है। कुछ भी नया आता है या कुछ भी डिस्काउंट में आता है तो मैं सोचती हूँ मैं इसी टाइम पे ही ले लेती हूँ। तो जब भी नायका की सेल आती है आई शॉप अ लॉट, मतलब आगे के बहुत सारे दिनों के लिए मैं एक साथ शॉप कर लेती हूँ। डिस्क्लेमर, कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने अपने पैसों से खरीदे हैं और अगर मैंने कुछ भी प्रोडक्ट्स यूज किए उनके जो रिव्यूज होंगे वो जेन्युइन दूंगी मैं। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ भी पेड नहीं है, सब कुछ मेरे खुद के पैसों का। मैं जस्ट बताना चाहती थी ताकि आपको पता चल जाए कि लाइक बस ऐसे ही। हाँ, अगर आपको हॉल वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदे हैं, हो सकता है आपको इसमें से कुछ पसंद आए तो नेक्स्ट सेल के लिए आप सेव करके रख सकते हैं अपने विश लिस्ट में। और आज का मेकअप कैसा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मुझे डार्क मेकअप ना अपने ऊपर उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता था, बट टुडे आई जस्ट लव्ड इट। सो या, अगर आपको इस टाइप की वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोडक्ट। कोई भी ऑर्डर नहीं है, रैंडमली मैं पिक करूंगी। सो फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस पिक्सी ग्लो टॉनिक। इट्स 5% ग्लाइकोलिक एसिड। ये कितने ml की है, दिस इज 100 ml। एंड अभी इस टाइम पे जब मैंने ये परचेज किया था पिक्सी पे 10% ऑफ चल रहा था, प्लस एक गिफ्ट भी मिला था जो मैं आपको बताऊंगी। सो ओरिजिनल इसका प्राइस था, मैं आपको बता देती हूँ, 1400, और ये मुझे मिला था 1260 पे। सो विच इज रियली गुड, क्योंकि 10% डिस्काउंट भी था, फ्री गिफ्ट भी था, और मुझे ग्लो टॉनिक बहुत दिनों से ट्राई करना था और मैंने एक दो बार ये ट्राई किया, अभी मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मैं उतना डेप्थ रिव्यू नहीं दे सकती क्योंकि कोई भी स्किन केयर को थोड़ा टाइम यूज करके ही उसका आप असली रिव्यू बता सकते हो। सो इसमें से कोई भी प्रोडक्ट आपको डेप्थ रिव्यू चाहिए होगा तो आप कॉमेंट करके मुझे बताना, मैं जरूर शेयर करूंगी। एंड नाउ इसके साथ जो गिफ्ट आया था वो बहुत ही क्यूट, इट्स लुकिंग लाइक क्रिसमस प्रेजेंट। सो ये आया था, दिस इज देयर प्यूरिफाइंग ट्रियो। सो मैंने 1200 का प्रोडक्ट परचेज किया, उसके साथ मुझे आई थिंक ये 1700 या 1800 का प्रोडक्ट फ्री मिला, विच इज रियली ग्रेट। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। सो ये बहुत अच्छे से इस टाइप से पैक होके आया था। एंड वेन यू ओपन दिस, इसमें ये तीन प्रोडक्ट्स हैं। सो फर्स्ट इज दिस पिक्सी ग्लो टॉनिक, 40 ml पिक्सी ग्लो टॉनिक एक्स्ट्रा मिला है मुझे। Then this one is a glow mud cleanser, 15 ml का glow mud cleanser मिला है। And then last T-zone peel off mask, 15 ml T-zone peel off mask मिला है। So ये तीनों चीजें मुझे free मिली हैं। Next I ordered this duo from the face shop। ये दोनों duo का set था, it was for 50% off। So ये 990 individual है, but ये total मुझे दोनों ही 990 के पड़े थे। और this one is Jeju volcanic lava, this is the foaming cleanser and this is the foaming scrub। so इन दोनों का duo मिला था मुझे। and then उसके साथ मुझे ये छोटू सा the face shop rice water bright face wash free मिला था, this is 50 ml। so ये भी मुझे काफी अच्छी डील पड़ी क्योंकि 50 ml मतलब free भी मिला और 50% off भी मिला। then एक और चीज मुझे free मिली थी, this is their white seed brightening discovery kit। so ये पूरी kit मुझे free मिली थी। इस kit में 3 आइटम्स हैं, फर्स्ट वन इज दिस ब्राइटनिंग सिरम, देन नेक्स्ट वन इज दिस ब्राइटनिंग लोशन, और थर्ड जो मुझे मिला था वो था ये ब्राइटनिंग, दिस वन इज ब्राइटनिंग लोशन एंड दिस वन इज टोनर, सो ब्राइटनिंग टोनर। और मैंने एक और चीज ऑर्डर की थी विच इज दिस जेजू वॉल्केनिक लावा कामिंग नोज स्ट्रिप, नोज पोर स्ट्रिप्स मुझे यूज करना आजकल बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इससे जो टाइनी ब्लैक हेड्स और बम्स रहते हैं मेरी स्किन में वो हट जाते हैं। सो ये इस टाइप की स्ट्रिप्स में आते हैं, देयर आर टोटल 7 strips, और इसका भी प्राइस मैं आपको बता देती हूँ। सो ये मुझे पड़ा था 400 rupees का था और मुझे पड़ा था 320 rupees। तो सेल आए और मैं हुडा ब्यूटी ना खरीदूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो इस बार सेल में हुडा ब्यूटी की नॉटी आई शेडो पैलेट सेल में थी, अभी उनका रिसेंट लॉन्च ही है और ये मुझे सेल पे दिखा तो मैंने कहा जल्दी से ले लूं। वैसे मुझे मैं कंफ्यूज थी इसको लेने के लिए, लेट मी टेल यू व्हाई, मैं पहले खोल लेती हूँ उसको, क्योंकि बहुत सारे इस टाइप के शेड्स मेरे पास ऑलरेडी थे क्योंकि ब्राउन टोन्स मोस्टली सब में ही आते हैं, बट ये टोटली न्यूड, आपको डार्क न्यूड टाइप का मेकअप करना उसके लिए बहुत अमेजिंग थी। तो मैं थोड़ी कंफ्यूज थी कि ब्राउन शेड्स ऑलरेडी हैव, बट मैंने सोचा कि अगर मुझे कहीं ट्रेवल करना हो और सिर्फ मुझे इसी टाइप का मेकअप करना हो सो आई कैन कैरी दिस, और 50% ऑफ पे मिली थी। आई नो ये मोस्ट ऑफ द टाइम 40% ऑफ पे थी, बट मुझे पता था, आई डोंट नो व्हाई, मुझे पता था कि ये 50% ऑफ पे आएगी और ये सिर्फ 2 या 3 घंटे के लिए 50% ऑफ पे आई थी और मैंने इसको खरीद लिया उसी टाइम पे। सो इसका ओरिजिनल प्राइस वॉज 5375 rupees,
और मैंने ये खरीदी है 2688 रुपीज में, विच इज रियली ग्रेट. सो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और बहुत अमेजिंग पैलेट है मेरे पास. मोस्टली बहुत सारे हुडा ब्यूटी के पैलेट्स हो चुके हैं, सारे नायका की देन है. सो थैंक यू नायका 50% सेल लगाने के लिए. सो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इसके लिए. देन नेक्स्ट प्रोडक्ट है एल्फ के. सो एल्फ पे चल रहा था बाय वन गेट वन फ्री, मतलब दो प्रोडक्ट आप कार्ट पे ऐड करोगे तो जिसकी भी वैल्यू कम होगी वो आपको फ्री मिल जाएगा. सो बेसिकली मैंने ये कंसीलर और ये स्पंज ऐड किया था. स्पंज के पीछे मेरा एक रीजन था, मुझे इसका स्पंज बहुत 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 पसंद था और लैला ने काट दिया था वो. सो पूरा खराब हो चुका, खराब क्या मतलब उसमें कुछ बचा ही नहीं था. सो ये मोस्टली आउट ऑफ स्टॉक रहता है और उसमें बाय वन गेट वन था, मुझे कंसीलर चाहिए था. एल्फ का कंसीलर का मैंने बहुत अच्छे रिव्यूज वगैरह पढ़े थे. सो ये कंसीलर था 600 का, ये था 590 का, तो ये 600 देके मुझे दोनों चीजें मिली. नेक्स्ट मेरा रिफिल है विच इज मेबेलिन 24 आवर सुपर स्टे फाउंडेशन. ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब एक अफोर्डेबल रेंज में दिस इज लाइक वेरी गुड कवरेज, बहुत अच्छा कवरेज देता है और स्किन पे भी मेरी अच्छी लगता है. ये मैंने आज ही वेयर करा है, मुझे थोड़ा सा ये डार्क लगता है अपने स्किन पे. दिस इज शेड नंबर 128 वॉर्म न्यूड. हल्का सा मुझे डार्क लगता है बट कंसीलर के साथ वर्क करो तो ये ठीक लगने लगता है. सो दिस इज लाइक वेरी वेरी गुड फाउंडेशन इन अफोर्डेबल रेंज. सो ये भी सेल पे था, ये ओरिजिनल इट वॉज फॉर ₹750 बट 30% ऑफ था तो मुझे मिला है ₹525 का. नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया है विशफुल से, फर्स्ट टाइम मेरा विशफुल प्रोडक्ट है ये. सो मैंने ऑर्डर किया है योग्लो एंजाइम स्क्रब और मुझे एक केमिकल एक्सफोलियंट बहुत दिनों से चाहिए था, मेरे पास था नहीं, मतलब था वो खत्म हो गया था और मुझे केमिकल एक्सफोलियंट्स बहुत अच्छे लगते हैं. एंड इसकी पैकेजिंग, ओ माय गॉड दिस इज सो फ्रिकिंग क्यूट. और इसका जो ये कैप है ये भी मुझे बड़ा क्यूट सा लगता है. दिस इज रियली क्यूट बट दिस वन इज रियली एक्सपेंसिव. ये 100 ml है एंड दिस वॉज ओरिजिनली फॉर ₹3400 बट ये आई थिंक 40% ऑफ पे मुझे मिल गया था एंड मुझे मिला था ₹2040 का 40% ऑफ उस टाइम पे. ये भी थोड़ी ही देर के लिए 40% ऑफ आया था एंड आई वाज लाइक यस, मतलब जब नायका सेल चलती ना मैं थोड़ी थोड़ी देर में चेक करती रहती क्योंकि प्रोडक्ट्स में थोड़े थोड़े टाइम में सेल कम और ज्यादा होती रहती है. तो अगर आपको भी नायका से शॉप करना है और बेस्ट डील चाहिए तो थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते रहो. आई नो कि ये थोड़ा काम है पर ठीक है यार, अगर पैसे बच रहे हैं तो इतना काम मैं तो कर सकती हूँ, मतलब मुझ जैसे कंजूस इंसान तो ऐसा कर सकता है. मैं पूरे टाइम नायका की सेल देखती रहती हूँ. सो ये विशफुल का है, ये मैंने दो बार यूज किया है, मुझे दो बार में अच्छा लगा. इसमें भी मैं इनडेप्थ रिव्यू नहीं दे सकती हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ दो ही बार यूज किया है. मैं इसको और यूज करूंगी एंड देन आई लेट यू नो, अगर ज्यादा नहीं होगा तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करूंगी. तो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस और मुझे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे. सो या ये मिला था मुझे एंड देन इसके साथ एक छोटू सा मुझे सैंपल फ्री मिला था, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं है बस छोटू सा. So, okay, ये मुझे बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिल गया विच इज वेरी गुड. देन नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया था जेम्स चार्ल्स मॉफी पैलेट. मॉफी पैलेट मैंने सुना है बहुत अमेजिंग होते हैं और इस पैलेट का शेड रेंज मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं अभी आपको खोल के दिखाती हूँ. सो दिस इज लाइक एक प्रोफेशनल सा पैलेट लगता है इसको देख के सबसे पहले तो, कि कोई बहुत बड़ा मेकअप आर्टिस्ट का पैलेट है और मुझे अच्छा लगता है ऐसा फील करना. सो लेट मी ओपन दिस. सो इसमें बहुत सारे कलर्स थे, मतलब इसमें कलर्स ग्रीन ब्लू एंड देन पिंक और ऑरेंज ब्राउन, मतलब मुझे काफ़ी शेड्स ऑफ कलर इसमें मिले थे और इस टाइप के कलर्स जो मेरे पास थे मेकअप रेवोल्यूशन में थे और उसके अलावा और किसी में नहीं थे. तो मैंने सोचा कि मैं मॉफी एक बार ट्राई करती हूँ और मुझे अच्छा लग रहा था देखने में कि इस टाइप के कलर्स मेरे पास उतने ज़्यादा नहीं थे. और ये भी मुझे सेल पे मिला है, इट वॉज ओरिजिनली फॉर ₹3700 एंड मुझे पड़ा है 2590 का. सो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, दिस इज ऑल्सो माई फर्स्ट मॉफी परचेज. मैंने अभी तक इसे टच भी नहीं किया, ये देखने में इतना सुंदर लगता है ना कि मैंने, बट इनको एक मिरर तो देना चाहिए यार, मिरर भी नहीं दिया एक. अनलीश योर इनर आर्टिस्ट. सो एक मिरर होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं है, इट्स ओके. बट या इतने सारे कलर्स मिले मुझे. नेक्स्ट मैंने परचेज किया है बेनिफिट का ब्राउ. सो मैंने सुना है कि बेनिफिट्स के ब्राउ प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं और ये शायद 30% या 40% ऑफ पे था उस टाइम पे. ब्राउज में सिर्फ यही उतना ज्यादा ऑफ पे था तो मैंने कहा कि पहले मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ क्योंकि मैंने कभी भी बेनिफिट के प्रोडक्ट्स उतने ज्यादा ट्राई किए नहीं है. और सच बताऊं तो मैं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ब्राउ प्रोडक्ट्स यूज करती भी नहीं हूँ क्योंकि ऑलरेडी आई हैव सो थिक ब्राउज. सो मुझे लगता है वाई, बट ये सेल पे था और ये इस टाइप का जेल काइंड ऑफ है तो इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफी चल जाते हैं. बहुत छोटू सा निकला है अंदर से, मुझे थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन था कि थोड़ा सा बड़ा निकलेगा
बट इट्स ऑल राइट. सो इसकी एक बहुत अच्छी चीज ये है कि आपको नेचुरल लुक भी दे सकता है, ड्रामेटिक लुक भी दे सकता है, 24 आवर, और ये वाटर प्रूफ भी है, सो विच इज गुड. और इसके साथ ये छोटू सा ब्रश भी है, और ये ब्रश बहुत अच्छा और बहुत फाइन है. सो मुझे अच्छा लगा. ठीक है, अभी मैंने यूज नहीं किया, सो आई कांट कमेंट कि ये है कैसा, बट दिखने में अच्छा है. और मैंने अभी तक बेनिफिट के ट्राई भी नहीं किए थे, सेल पे था तो मैंने कहा व्हाई नॉट. सो दिस वाज ओरिजिनली फॉर ₹2,450, मुझे सेल पे मिला है ₹1,715 का. इसके साथ मुझे दो प्रोडक्ट्स फ्री मिले हैं, सो लेट मी शो यू गाइज. सो फर्स्ट वन इज दिस गिमी ब्राउ, बेनिफिट का ब्राउ मस्कारा काइंड ऑफ है. सो बहुत छोटू सा है, दिस इज हाउ इट लुक्स, इस टाइप से. सो ये मिला है, छोटू सा है, ट्राई करके देखती हूँ, अगर अच्छा लगेगा तो खरीदूंगी. अभी तो आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि ब्राउ प्रोडक्ट्स में मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट तो नहीं करती हूँ. एंड देन एक ये छोटा सा मुझे पोर प्राइमर मिला है, काफ़ी ही छोटा है, मतलब एक दूसरा पाउच है. सो ये दो चीजें मुझे फ्री मिली थी. नेक्स्ट मैंने स्मैश बॉक्स का प्राइमर ऑर्डर किया है, दिस इज ए विटामिन ग्लो प्राइमर. मैंने ये पहले भी यूज किया है, काफी ड्यूई और ज्यूसी बना देता है एकदम से स्किन को, तो मेकअप बहुत ज्यादा ड्यूई लगता है, और आजकल मुझे ड्यूई मेकअप बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है. दिस वॉज एक्सपेंसिव, ये 30 ml है, एंड दिस वॉज फॉर ₹3,050, और इसमें कोई भी सेल नहीं था, बट वहाँ ऑफर चल रहा था कि अगर आप 3,000 से ऊपर का परचेज करते तो यू विल गेट गिफ्ट. सो ये मैंने ऑर्डर किया है, और इसके ये मतलब ये एक्चुअली मैं इसका रिव्यू दे सकती हूँ, ये मैंने यूज़ किया है, और अगर आपकी स्किन ड्राई है, डिहाइड्रेटेड है, तो यू कैन गो फॉर दिस. दिस इज एक्सपेंसिव, बट ये थोड़ा सा ही बहुत चलता है, मेरे पास इतना छोटा था और वो अभी तक चले ही जा रहा है. सो यू कैन ट्राई. और वैसे भी स्मैशबॉक्स के प्राइमर मैंने सुना है बहुत अमेजिंग होते हैं. सो इसके साथ मुझे फ्री मिली है, मतलब 2100 की तो मुझे लिपस्टिक ही फ्री मिल गई स्मैशबॉक्स की. दिस इज इन द शेड स्टे न्यूट्रल, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. मतलब ये विंटर के लिए तो बहुत अमेजिंग शेड है, समर्स में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, बट मैं इसे विंटर में बहुत यूज करने वाली हूँ. सो या दिस इज वन लिपस्टिक दैट आई गॉट, एंड द अदर थिंग दैट आई गॉट इज दिस सुपर फैन फैंड आउट मस्कारा. ये मस्कारा है, मुझे मैंने सुना है कि ये मस्कारा भी काफ़ी अच्छा है, मैं ट्राई करके आपको बताऊंगी कि कैसा है. और ये एक बहुत ही छोटू सी लिपस्टिक मिली है, ये इतनी छोटू है. सो ये तीन चीजें मुझे फ्री मिली है. देन मैंने कुछ प्रोडक्ट्स हुडा ब्यूटी से मंगाए हैं. फर्स्ट वन इज दिस हुडा ब्यूटी मैट परफेक्शन प्राइम बेस. सो ये एक्चुअली प्राइमर है मैटिफाइंग करने के लिए. जो मैंने स्मैशबॉक्स से मंगाया वो लाइक फुल फेस के लिए है, बट मेरी जो टी जोन है और नोज पे बहुत ज्यादा पोर्स हैं, सो उसको कवर करने के लिए मैंने इस टाइप का प्राइमर मंगाया, क्योंकि मैंने सुना है कि ये प्राइमर जो पोर्स है वो बहुत ज्यादा अच्छे से स्मूद आउट और ब्लर कर देता है. सो ये ओपन करके इस टाइप से इसकी नोजल है, पहले ये पंप में आता था मुझे ऐसा याद है, बट अब ये इस टाइप से नोजल में आता है. सो ये बहुत ज्यादा एक स्मूथ करने वाला प्राइमर है. सो ये भी सेल पे था, दिस वॉज आई थिंक ये 50% सेल में था, मैं चेक करके बताती हूँ. या सो दिस वॉज ओरिजिनली फॉर ₹2,770, और ये मुझे पड़ा है ₹1,385 का, तो ये मुझे 50% ऑफ पे मिला है. सो मैंने सोचा ट्राई कर लेती हूँ. देन नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया है हुडा ब्यूटी का द ओवर अचीवर कंसीलर, और इट्स इन द शेड 14N. मैंने पहले भी मंगाया था और वो आते साथ ही लैला पूरा चबा गई थी उसको, तो वो पूरा बर्बाद हो गया, मैं यूज़ ही नहीं कर पाई. और ये भी 50% ऑफ पे था, ये एकदम फुल 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 कवरेज काइंड ऑफ कंसीलर है, बट इट्स रियली क्रीमी, ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं होता अंडर आइज पे, विच इज़ रियली गुड. मुझे ड्राई वाले कंसीलर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल ड्राई नहीं होता, और ये बहुत अच्छे से कवर करता है डार्क सर्कल सब कुछ. सो दिस वॉज ओरिजिनली फॉर ₹2,520, और ये मुझे मिला है ₹1,260 का. देन नेक्स्ट मैंने ये ऑर्डर किया है हुडा ब्यूटी का ग्लो कोको हाइड्रेटिंग मिस्ट, और ओ माई गॉड, मैंने ये थोड़ा सा ट्राई करके देखा था, मतलब मेकअप सेट नहीं किया था, बट मैंने इसका स्प्रे ट्राई किया था, एंड इट इज लाइक सो फाइन स्प्रे एकदम. सो अगर जितना ज़्यादा फाइन होगा ना उतने अच्छे से वो लाइक मेकअप अच्छे से सेट करता है, क्योंकि ऐसा होता है ना कई बार अगर बड़े बड़े लाइक ड्रॉपलेट्स निकलते हैं तो वो मेकअप पे दाग बना देते हैं, तो जितना ज़्यादा फाइन होगा आपका मिस्ट उतना ही अच्छे से वो आपके मेकअप को सेट करेगा. दिस इज हाइड्रेटिंग मिस्ट, और ये मैंने इसलिए खरीदा, मैंने सोचा मैं ट्राई करके देखती हूँ, व्हाई नॉट. आई मीन एक तो ये हाइड्रेटिंग मिस्ट है, ग्लो कोको, मुझे ग्लोइंग मेकअप लाइक ऑल आई वॉन्ट दीज डेज. सो ये था ₹2,900 का, और ये मुझे 70% ऑफ पे मिला, तो ये मुझे पड़ा है सिर्फ
870 रुपीज का। सो ये बहुत ज्यादा ऑफर में था, मतलब इतने में तो ड्रग स्टोर सेटिंग स्प्रे ही मिल रहे हैं आजकल, तो ये मुझे हुडा ब्यूटी का मिल गया तो मैंने सोचा व्हाई नॉट यार, खरीद लेती हूँ। देन इन सारे प्रोडक्ट्स के साथ मुझे ये समांथा लैश फ्री मिली है। दिस इज सो गुड यार, आई जस्ट लव दिस, मतलब मुझे ये बहुत अमेजिंग लग रही है। मैं अभी इसे यूज नहीं करूंगी, मैं कोई फंक्शन होगा घर की शादी होगी, मैंने पहले इसको बोल के रखा था कि कोई फंक्शन होगा घर की शादी होगी तभी मैं इसे यूज, इसको किसको मतलब लैशेस को बोल के रखा था, मतलब अपने आप को बोल के रखा था कि कोई बहुत अच्छा फंक्शन होगा तभी मैं इसे यूज करूंगी, क्योंकि यार दिस इज लुकिंग सो गुड। और हुडा ब्यूटी की लैशेस बहुत महंगी आती है, बहुत ज्यादा, सो मैं ट्राई करके देखूंगी, अगर अच्छी होंगी तो मैं ऐसे ही फंक्शंस के लिए मैं खरीदूंगी, मतलब डे टू डे बेसिस में तो मैं इतनी महंगी लैशेस यूज नहीं करने वाली हूँ, बट हाँ फंक्शंस के लिए यू कैन इन्वेस्ट ऑन दीज लैशेस। सो गाइस दैट वाज ऑल फॉर टुडेज हॉल, मैंने बहुत सारी चीजें बहुत सारी सेल में खरीदी एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी, क्योंकि मैंने बहुत सारे पैसे खर्च किए आई नो, बट बहुत सारे बचा भी नहीं है। अगर मैं उसको ऑफ सेल खरीदती, मतलब जब मुझे जरूरत पड़ती तब खरीदती, तो मेरे ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं, तो मैं स्टॉक कर लेती हूँ इसी टाइम पे, मतलब मैं स्किन केयर क्योंकि दो दो साल की एक्सपायरी तो रहती है, तो मैं इस टाइम पे स्टॉक कर लेती हूँ आगे के 6 months के लिए जब तक नेक्स्ट सेल नहीं आती। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, तो मैं मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।